हेलो। तो फिर आज से हम स्टार्ट करने जाने वाले नई सीरीज, उसका नाम है माइनक्राफ्ट का क्यूब क्राफ्ट स्काई ब्लॉक। तो फिर अगर आपको पता नहीं होगा, एक क्यूब क्राफ्ट नाम का एक सर्वर है माइनक्राफ्ट में, उसका ये स्काई ब्लॉक है। मतलब इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, हम अपने दोस्त के साथ खेल सकते हैं। ये नॉर्मल स्काई ब्लॉक से थोड़ा अलग होता है, आप कह सकते हो हाई पिक्सल टाइप, लेकिन वनीला के साथ। मतलब हाई पिक्सल में उनके बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इसमें भी है कुछ उनके चीज़ें, लेकिन ये थोड़ा आपको वनीला फील देगा। आपको कुछ मतलब सिंप्लिसिटी इसमें ज़्यादा है। और इसमें मैंने कुछ मतलब मेरा जो एक टेस्टिंग का अकाउंट है, दूसरा फ़ोन है, उससे मैंने ट्राई किया और इस वीडियो में बहुत सारे लैग है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो और बीच बीच में बहुत कट हो गए उस लैग के कारण। और पहली बात तो फिर हमने पहला अपना क्विस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्विस्ट मिलते हैं, उससे आपको कंप्लीट करना होता है, इससे आपको कॉइंस मिलते हैं। और तो फिर मैं अभी एक दो क्विस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। और बाय द वे, मैं जो MCP मतलब कुछ जो टेक्स्ट पैक नहीं, जो कुछ रिसोर्स पैक है, वो मैं यूज़ करने वाला हूँ इस पूरी सीरीज में। तो फिर उन जो रिसोर्स पैक का जो एक डेवलपर है, मतलब वो पूरी टीम है, उनका जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी। वो स्पॉन्सर वगैरह नहीं ले, मुझे पसंद है। उसमें मैं डार्क मोड और सेकेंडरी होगा, अभी हम देखने वाले। हमें वुडन की सब कुछ जो चीज़ें है, चार वुडन की चीज़ें हमें क्राफ्ट करनी है। तो फिर मैं जल्दी से जल्दी भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। इसका एक फ़ायदा क्या होता है, इस बुक को अगर दबाओगे तो फिर सब कुछ आ जाएगा, मतलब सब कुछ बन जाएगा जैसे कि तैसा। तो फिर अभी हम ये, और इसमें आप क्रिएटिव मोड में स्विच नहीं कर सकते, ये आपको खेलना होगा तो फिर आप सर्वाइवल में ही खेल सकते हो। ये एक बात है, मतलब इस सीरीज को इतना अंडररेटेड इसीलिए है कि मतलब जो प्योर गेमर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे अगर आप देखोगे तो फिर उन्हें क्रिएटिव करते हैं बीच बीच में, वैसा हमें पसंद नहीं होता, तो फिर इसलिए। और इसमें हम अभी आगे जो स्काई ब्लॉक का जो शॉप होने वाला है, इसमें आपको अभी क्विस्ट करना है। हमें अभी शेड कंप्लीट करना है। स्पेड यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब अपने शॉवल ही है। अभी लैग हो रहा है, तो फिर लैग जब ख़त्म हो जाएगा एक बार, तब मैं आपको मतलब थोड़ी देर में बैकग्राउंड प्रोग्रेस कर मैं आपको मिलूँगा। ज़्यादा तो बैकग्राउंड में हम प्रोग्रेस नहीं करते। अपना क्विस्ट भी अभी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर दूसरा जो क्विस्ट है हमारा लंबर जैक, वुडन टूल्स हमारी हो चुकी है। हमें अभी कॉबल स्टोन का जनरेटर मिल चुका है। कॉबल स्टोन का जनरेटर हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ये काम बहुत ही सिंपल, आपको यहाँ पर रख देना है, थोड़ा उसे टाइम देना है और उसके बाद जनरेट होके। और इसका एक फ़ायदा है, अगर आप खेलोगे तो फिर ज़्यादा स्पीड यहाँ पर, मतलब थोड़ी सी बोन मिल टाइप जो काम होता है वो यहाँ पर होता है। ओके, तो फिर मैं यहाँ पर हो कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर जो ज़मीन है उसे फर्टिलाइज कर देता हूँ। उसका एक मतलब हम ज़्यादा कम से कम देर में हम काम कर सकते हैं। तो फिर इसमें मैं मैक्सिमम जो काम होने वाला है वो बैकग्राउंड में ही करने वाला हूँ, मतलब बैकग्राउंड में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला हूँ मैं इस सीरीज में। क्योंकि यहाँ पर अगर क्रिएटिव नहीं, मतलब जो मेरे लेट्स प्ले, आप बोलोगे फिर लेट्स प्ले का क्या, तो फिर लेट्स प्ले भी आएगी, लेकिन ज़्यादा जो होने वाला है वो इसी तरफ हम फोकस करने वाले हैं। तो फिर हम अभी इसे मैं हार्वेस्ट कर तोड़ लेता हूँ और आपको उसके बाद मिलता हूँ। मतलब अभी मैं यहाँ पर सब के सब प्लेस कर ही लेते हैं, हम अभी क्या बाकी है। और मैं आपको कुछ बैकग्राउंड प्रोग्रेस के बाद मिल लूँ क्या, नहीं जाने दो। हम अभी इसे सिर्फ कॉबल स्टोन को जनरेट करते हैं। और आप ये आराम से कुछ मिनट का टाइम लैप्स देख लीजिए। ओके, we'll be right back.
बैकग्राउंड प्रोग्रेस बता देता हूँ मैंने यहाँ पर, मतलब अभी हम लेट बी लाइट हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट वन अपना कंप्लीट हो चुका है लेट बी लाइट का। ओके देन हम अभी इसके आगे हमने क्रॉप को ग्रो पूरा का पूरा हो चुके थे, हमने लंबर जैक को कंप्लीट कर लिया है अब तक, और हमने 3-4 और क्वेस्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। और आप बोलोगे कि क्यों मैंने ऐसा किया, मतलब क्यों मैंने इसको, मतलब आप बोल सकते हो इसमें किया था मतलब टाइम लैप्स में, तो फिर उसका कारण यही है। अगर मैं टाइम लैप्स में नहीं करता तो फिर मतलब ये पूरा का पूरा बोरिंग हो जाता। ओके देन तो फिर हम अपने कुछ सेटिंग्स को चेंज कर लेता है, और मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर सर्वाइवल का हम क्रिएटिव नहीं कर सकते, सबका सब ब्लॉक है। तो फिर रेंडर डिस्टेंस वगैरह यहाँ पर हम लेफ्टी वगैरह अब जाने दो। और अभी हम आप फिर से एक टाइम लैप्स देख सकते हैं शायद से, क्योंकि मुझे लगता है, और मैं आपको बीच बीच में 1-2 बार बता दूंगा कि अब, क्योंकि अभी मैं यही करने वाला हूँ, हार्वेस्ट करने वाला हूँ, पेड़ लगाने वाला हूँ, और एक दोनों बीच बीच में क्वेस्ट अभी मैं फर्नेस में इसे डाल देता हूँ और कुछ टॉर्चेस क्रिएट करूँगा। ओके देन मैं आपको मिलता हूँ इस सब के सब टाइम लैप्स के बाद में। ओके देन तो फिर हम अभी जाने वाले हैं उस आइलैंड की ओर। तो फिर मैंने, आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे अभी हम वे फेयर क्या हम कम्प्लीट करने वाले हैं, हमें उस प्लेन्स बायोम के आइलैंड की तरफ अब हमें जाने वाले हैं, हम कुछ करने वाले हैं। तो फिर हमारा तैयार हो चुके हैं कॉबलस्टोन स्लैब। हाँ ये कुछ कॉबलस्टोन जैसे दिखते हैं, क्योंकि ये जो है वो 1.8 या फिर 1.9 में है, और या मैं भी गिर चुका हूँ तो फिर मेरा पोपट हो चुका है। मतलब ये हंसने की बात नहीं, सीरियसली मतलब या हाइपिंग के वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हम फिर से उधर जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं फिर से बिल्ड। ओके हम अभी आगे जा रहे हैं, और यहाँ पर मैं अभी बिल्ड कर लेता हूँ यार, क्राउच किया है मैंने। और ओके तो फिर मैंने क्राउच किया है, तो फिर उसके आगे हम अभी जाने वाले हैं। वहाँ तक हम जा सकते हैं शायद से, क्राउच कर तो मैं नहीं गिरूँगा, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज है। मेरी पिंग जो पिंग है वो 1 मिनट क्या हुआ, मैं गिर गया, मतलब क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, मतलब यार क्या चल, 1 मिनट सेंसी मेरी ज़्यादा है इसलिए कुछ का कुछ हो रहा है, मैं अब क्या बोलूँ, जाने दो। लेकिन अभी हम यहाँ पर आगे जाते हैं, वहाँ पर अभी शायद से। ओके और ये 1 मिनट ग्लिच या अहेड ग्लिचेस। तो फिर अभी हम ऐसे ट्राई करेंगे, और आप मेरे पोपट का भी टाइम लैप्स देख सकते हो नहीं, तो फिर यहाँ पर भी ऐसे होगा वर्ल्ड स्टार्ट होने के लिए। तो फिर जब ये अचीवमेंट हमें मिलेगी गिरते पड़ते कैसे भी, तब मैं आपको वहीं पर ही मिलता हूँ। तब तक मैं छोटा सा टाइम लैप देख लूँ।
कंप्लीट फायर कंप्लीट कर लिया है तो फिर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो फिर शायद से इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ अचीवमेंट्स कंप्लीट करने के बाद और कुछ अचीवमेंट्स बाकी रहेंगे। तो फिर कल के वीडियो में हम और ज़्यादा अचीवमेंट्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके साथ ही टाइम लैप्स में न करते हुए ही करूँगा। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में और इस सीरीज शायद से अपनी मल्टीप्लेयर में भी कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब एक जो लोग हो गए वो मल्टीप्लेयर में और हमारे क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चैत्या वर्थ, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।